Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. आने दीजिए उनको, मैदान में लड़ेंगे। 26 तारीख को ये जनता तय करेगी। तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि आप जांच करवाएं और जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे भेजें। मैं तो ये कहूंगा अगर रविंदर दोषी नहीं हुआ तो आप भी तैयार है ना। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस एक होकर लड़ रही है और दोनों ही जब टक्कर नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपस में आप गठबंधन करके लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उनका स्वागत है। हेलीकॉप्टर से आपने चुनावी यात्रा की, कितनी यात्रा की और किस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ही बढ़िया। और शुरुआत मैंने मोहनगढ़ से की थी, मोहनगढ़ गागरिया दोहरीमना, और अब सिव आया हूँ, मेरी अपनी धरती पे आया हूँ, मेरी कर्म भूमि पे आया। और मुझे पूरा भरोसा है कि 36 की कौम का साथ और सहयोग, बाड़मेर जसमेर और बालोतरा की जनता का आशीर्वाद रविंद्र को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आप उनके निशाने पे हो और कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर। आने दीजिए उनको, मैदान में लड़ेंगे। 26 तारीख को ये जनता तय करेगी। आपके ऊपर देशद्रोही और कई ऐसे विदेशी फंडिंग जैसे आरोप लगे हैं कि ये पैसा बाहर से आ रहा है। तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि आप जांच करवाएं और जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे भेजें। मैं तो ये कहूंगा अगर रविंदर दोषी नहीं हुआ तो आप भी तैयार है ना। सबका हिसाब। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि आप बीजेपी के आदमी, आप बीजेपी दोनों सीट बीजेपी लड़ रही है, वहां भी तीसरा कोई है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस एक होकर लड़ रही है और दोनों ही जब टक्कर नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपस में आप गठबंधन करके लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उनका स्वागत है। जनता ने तय कर लिया है 26 तारीख को चुनाव होंगे और 4 तारीख को एक ऐतिहासिक परिणाम आएगा और बाड़मेर जसमेर और बालोतरा की जनता की जीत। आपका सीधा मुकाबला किससे? बीजेपी कांग्रेस। मैं कहना चाहूंगा कि इनका आपस में जनता का आशीर्वाद मेरे साथ।